नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं INN 24। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा के वार्ड नंबर 3 में रानी सती रोड हटिया रोड में बने गड्ढे और गड्ढे में भरे पानी को पार करना राहगीरों और पचम्बा वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। सबसे ज्यादा परेशानी विद्यार्थियों को होती है इस रोड से गुजरने में। कोई विद्यार्थी विद्यालय जा रहा है और उसी समय कोई वाहन गुजर गया तो यूनिफॉर्म पर रोड पर बने गड्ढे का कीचड़ युक्त पानी पड़ना स्वाभाविक है। स्थानीय लोगों ने INN 24 न्यूज को बताया कि इस रोड का निर्माण आज से 10 वर्षों पूर्व हुआ था, मगर पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण रोड उखड़ कर गड्ढे में तब्दील हो चुका है। हम दुकानदारों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है। नगर पालिका से नगर निगम में गिरिडीह परिवर्तित हो गया, मगर पचम्बा आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि आए दिन बच्चे लोग गिर जाते हैं, रोड जाने वाले यात्री लोग गिर जाते हैं, बाइक से कितना एक्सीडेंट होता है, प्रतिदिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते ही रहता है। रोड भी पिछले 10 साल पहले बना था और अभी तक इसमें कोई तरह का रिपेयरिंग भी नहीं हुआ, ना ही बना गया है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इस रोड का विलंब निर्माण किया जाए और इसका टेंडर किया जाए। पचम्बा के कितना वार्ड नंबर? ये वार्ड नंबर 3 पड़ता है। पचम्बा कितना वार्ड नंबर है? 15, 14 है। तीन नंबर वार्ड नंबर है। ये रोड कितना दिन से खराब है? बहुत दिन से खराब है। क्या कहना है जिला प्रशासन से? क्या कर रहा है, बोलिए। क्या बोलना है? बोलना है यही कि रोड बनना हमको चाहिए। रोड एकदम खराब हो गया है। कितना दिन से है ये खराब? 2 बरस से है। पब्लिक जो है यहाँ, पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी। जितना स्कूल का बच्चा है, लोग फिसल के गिर भी जाता है। हमें आपको जिला प्रशासन से कुछ कहना है रोड के बारे में? रोड के बारे में क्या कहना है उससे? उससे जिला प्रशासन क्या करेगा तो यहाँ का जो पार्षद है वो करेगा। मैंने क्या मांग है उससे? वही रोड बनना चाहिए, और क्या। रोड बनना चाहिए। बहुत परेशानी होता आने जाने में, और जिला प्रशासन क्या करने चाहता है समझ गए ना। ये हम लोग का तो समझ में नहीं आ रहा, रोड बहुत खराब है। कितना दिन से खराब है? बहुत दिन से। हमको लगता है कि 2 बार भी बना है और फिर भी वही पोजिशन आ गया। अब तक ये रोड टूटे हुए कितना दिन हो गया? लगभग 2 साल। 2 साल हो गया। हाँ, 2 साल हो गया। जिला प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? कहने चाहते हैं कि रोड बनना चाहिए, और क्या कहने चाहते हैं हम लोग। क्या नाम क्या हुआ आपका? नाम मोहम्मद साहबुद्दीन। कितना नंबर वार्ड है ये है आपका? 3। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।